मैदे को छलनी में डाल दिया है। इसमें मैंने बेकिंग पाउडर, मीठा सोडा और नमक तीनों चीज़ें मिला ली हैं। इसे अब अच्छी तरीके से हम छान लेंगे ताकि सभी चीज़ें यानी कि मैदा जो है बेकिंग पाउडर और सोडा के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मैदे को छान लिया। देखिए खमीर कितना अच्छा बनके तैयार हुआ है। इसी खमीर से हम इस मैदे को गूंधेंगे। जितना खमीर हमें यूज होगा उतना करेंगे। बाकी का खमीर बचा हुआ हम फ्रिज में रख सकते हैं, बाकी दूसरी रेसिपीज में यूज हो सकता है। थोड़ा थोड़ा सा खमीर बढ़ाते जाएंगे। इसमें आटे में जो मैदा गूंद रहे हैं हम उसमें डालते जाएंगे और गूंदते जाएंगे। इसी तरीके से हम आटे को गूंद के डो तैयार करेंगे। इस डो को हम ग्रीस किए हुए बॉल में रख रहे हैं और इस कपड़े से ढक देंगे। इसे 2-3 घंटे लगेंगे फर्मेंटेशन के लिए। देखिए ये डो पिज्जा बनाने के लिए तैयार है। इसमें अच्छे से खमीर उठा गया है, लेकिन ये थोड़ा ढीला लग रहा है, तो इसे हम थोड़ा मैदे का, सूखे मैदे का स्प्रिंकल करके अपने हाथों में ग्रीस करके इस डो को उठा के दोबारा से परात में उसको मसल लेंगे। इसको हम थोड़ी देर इसी तरीके से मसल लेंगे। ये डो अच्छे से तैयार हो गया है, ये बेलने के लिए तैयार है। आइए इसे हम अब इसके चाहे छोटी छोटी लोइयां बना के हम बेल लें, या बड़े साइज का एक ही हमें पिज्जा बनाना हो, मतलब आई मीन पिज्जा बेस बनाना हो तो एक ही बना सकते हैं। साइज आप पर डिपेंड करता है कि कॉकटेल पिज्जा बनाना है, स्टार्टर के लिए बनाना है, या बहुत बिग साइज का पिज्जा बनाना है। तो मैं इसको छोटे छोटे से टुकड़ों में ले रही हूँ। मैं कॉकटेल पिज्जा बनाने जा रही हूँ। तो इस तरह से मैंने पूरे भाग को यानी कि जितना डो तैयार किया था कर लिया है। हाथ में चिकनाई लेके इस तरीके से गोल गोल कर रही हूँ और इसमें मैं डालूंगी मोजरेला चीज। हमने इन चारों पिज्जा बेस को इस बेकिंग ओवन ट्रे में रख लिया है। सबसे पहले हमने बेकिंग ट्रे पे ऑयलिंग की, उसके बाद इन अपने कॉकटेल पिज्जा बेसेस को रख लिया। अब सबसे पहला स्टेप होगा, जो हमारी घर की बनी हुई पिज्जा सॉस थी उसको हम लोग इस पे स्प्रेड करेंगे। नहीं बेटा, मैं लगाती हूँ। लाजवाब, बहुत ही बढ़िया पिज्जा सॉस देखिए बनके कितने तैयार अच्छे हुई है। तरीके से स्प्रेड हो रही है ये। ऐसे ही हम सब पे पिज्जा सॉस लगा लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा अनियंस एंड वेजिटेबल्स का। आप वेजिटेबल्स अपने मनपसंद कोई भी ले सकते हैं। आप चाहें तो इसमें स्वीट कॉर्न डालें, ब्रोकली डालें, कॉलीफ्लावर डालिए। मेरे पास कैबेज, कैरेट एंड कैप्सिकम था तो मैंने वो डाला है। आप टोमेटोज भी डाल सकते हैं। ऐसे ही जैसे मैंने अभी एक पिज्जा बेस की ड्रेसिंग करी है, ऐसे ही मैं बाकी बेसिस पे भी लगा लूंगी सारे वेजिटेबल्स। मैंने सारे पिज्जा बेस, कॉकटेल पिज्जा बेस पे वेजिटेबल्स लगा दिया है। अब हम लोग डालेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर और सॉल्ट। ठीक है, बस। आप अभी चाहें तो चिली फ्लेक्स थोड़ी सी डाल सकते हैं, चाहें तो बाद में भी डाल सकते हैं। और अब आया हमारा मेन पार्ट, वो है सब बच्चों को पसंद होता है कि चीज। चीजी चीजी पिज्जा खाएं। सो हमने इस पिज्जा में डाली ढेर सारी चीज। जितनी चीज आप लोड कर सकते हैं आप लोड कर दीजिए, क्योंकि चीज पिज्जा क्या कॉम्बिनेशन है। एंड अब हम इसमें डालेंगे ऊपर से थोड़ा सा ऑरिगेनो। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। सो ऐसे हमारा कॉकटेल पिज्जा बेस बन के रेडी हो जाएगा। ऐसे ही मैं सारे पिज्जा बेस बना के रेडी कर लूंगी।
हमारा ये पिज्जा बेस प्रोसेस में है बनने में, तब तक चलिए आइए हम लोग अपना अवन प्री हीट पे लगा लेते हैं। अवन का स्विच हमने ऑन किया, इसको कन्वेक्शन मोड पे डाला एंड 220 पे मैं बेक करूंगी, क्योंकि इसका पिज्जा बेस ऑलरेडी बेक्ड नहीं है, हमको पिज्जा बेस भी साथ में बेक करना है। तो मैंने इसको सेट किया है 220 पे एंड डबल स्टार्ट एंड प्री हीट। जब ये प्री हीट हो जाएगा तो हम अपनी प्लेट इसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे। हमारा अवन प्री हीट हो गया है, चलिए आइए अब हम अपनी ट्रे को इसमें प्लेस करते हैं एंड टेम्परेचर मैं सेट करूंगी 10 मिनट्स। 10 मिनट्स पे फिर मैं देखूंगी ये बना है तो मैं इसको और बढ़ाऊंगी, अदरवाइज 10 मिनट्स। सी हाउ नाइस दिस छोटा छोटा पिज्जाज आर लुकिंग, द स्मॉली कॉकटेल चीज बर्स्ट पिज्जाज। 10 मिनट का इंतजार, फिर देखते हैं कि ये कैसा बना है। देखिए ये स्टॉप आ चुका है, अब हम खोलने जा रहे हैं इसको, देखते हैं कैसे हैं। कैन यू स्मेल इट, हाउ दीज कॉकटेल पिज्जाज आर स्मेलिंग, लेट्स टेक इट आउट। दिख तो बहुत अच्छे रहे हैं, गले भी बहुत अच्छे हैं। सी साइड से देखिए हल्के हल्के ब्राउनिश हो गए हैं, यानी कि पिंकिश शेड में आ गए हैं, ऊपर की चीज भी पिघल गई है, इट मीन्स कि हमारे पिज्जा बनकर रेडी हैं। अब है इसको खाने की बारी। सी आई हैव सर्व्ड दिस कॉकटेल पिज्जा टू माय डैडी, जो कभी पिज्जा खाते नहीं है, लेकिन आज चलिए पूछते हैं उनसे कि वो कैसा लग रहा है उनको, कैसा रेडी। कह रहे वेरी नाइस टेस्टी, वाओ, वो भी हम लोग के स्टाइल में। आप सब लोग भी ये घर पे बनाइएगा, टेस्ट करिएगा और बताइएगा कैसा बना। तो कीप सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, कीप कुकिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।